गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्राफ्ट पेपर में एक फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। ये एक मैंने बनाया हुआ है, इसी तरीके से एक फ्लावर मैं आपको बना करके दिखाऊंगी, जिसको आप भी बनाओगे घर पर कलर्ड पेपर यूज़ करके। ये एक कलर्ड पेपर लेंगे A4 शीट, उस पर हम 2 इंच, ये मार्क किया हुआ है मैंने, 2 इंच एक पॉइंट लगा लेंगे और एक 2 इंच से 1.5 पर लगा लेंगे। 2 स्ट्रेट लाइन हम स्केल से ऐसे करके स्केल इस पर रख करके एक 1.5 इंच पर और एक 2 इंच पर 2 लाइनें बना लेंगे और फिर इसको कट करना है 2 इंच वाली लाइन से, जो ये है, इससे हमें यहाँ से इसको कट करना है ऐसे। ये इसको कट करके ये एक स्ट्रिप हमारी कट गई है। अब इस पर हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं यहाँ से और यहाँ तक। ये जो 1.5 इंचेस पे हमने लाइन बना रखी है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसको कट करना है। ये इस तरीके से जैसे मैंने कर रखा है, ये 0.5 इंचेस नीचे जो हमने एक अलग से लाइन बनाई थी इसको छोड़ देना है, ये लास्ट तक कट नहीं करना है, बस यहाँ 0.5 तक, 0.5 इंचेस जो है यहाँ तक इसको छोड़ देना है, बाकी इतने को कट कर लेना है। फिर इसके लिए एक छोटी सी स्ट्रिप लेकर के इसको रोल करेंगे ऐसे करके, इसका एक रोल हम बना लेंगे ये इस तरीके से और इसको पेस्ट कर लेंगे। वो एकदम से सूखता नहीं है इसलिए मैंने पहले से करके रखा है। ये एक रोल बना लेते हैं और इस पर हम ये जो है इसको पेस्ट करेंगे, इसको पेस्ट करना है इसके साथ। यहाँ फेविस्टिक लगाएंगे और इस पर लगा करके हमें इसको ऐसे करके रोल करना है। अभी मैं आपके सामने इसको करके करके दिखाती हूँ। इसके ऊपर हमें फेविस्टिक लगानी है और इसको रोल करना है यहाँ से ऐसे धीरे धीरे। पेपर को मूव नहीं होने देना है, इधर उधर नहीं खिसकने देना है, धीरे धीरे करना है इसको। ये ऐसे करके ये पूरा पेपर हम रोल कर लेंगे इस तरीके से। पूरा पेपर हमारा रोल हो गया इस तरह से। ये ऐसे इसको यहाँ से थोड़ा सा प्रेस करना है जिससे थोड़ा ये ठीक से पेस्ट हो जाए। अब इसके मिड पॉइंट को ढूंढ करके इनको ओपन करना है ऐसे करके, सेंटर देख करके इसको ऐसे ओपन करना है ऐसे कर। कहीं पे ज़्यादा स्ट्रिप्स इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको हल्का सा हम हाथ से प्रेस करके इसे खोल सकते हैं ये इस तरीके से। अब इसके साथ में ये हमारा फ्लावर बन गया। अब इसके साथ में एक स्टिक हमें लगानी है
न्यूज़पेपर से एक स्टिक बना लेंगे रोल करके, और इसी के साथ हम इसको लगा देंगे इस तरीके से। अब इसको आप चाहें तो थोड़ा सा फ्लावर का ओरिजिनल लुक देने के लिए इस स्टिक को हम कलर भी कर सकते हैं ऐसे। इस तरीके से आप इसको पहले भी कलर करके रख सकते हैं स्टिक को, जिससे कि वो सूख जाए। ये कलर हो गया इस तरीके से, इसको ये हमारा फ्लावर बन गया। ये फ्लावर्स आप दो दो फ्लावर हर एक बच्चा बना करके और ग्रुप पे मुझे पिक शेयर करोगे, आप बना पाते हैं। नहीं बना पाते हैं आपको मैं दोबारा फिर से सिखा दूँगी, या वीडियो आपके पास रहेगी आप उसमें भी देख सकते हो दोबारा। ट्राई करना, ज़रूर कोशिश करोगे तो बन पाएगा। थैंक यू।